Welcome back to the channel guys, and look at the place again, a beautiful place with beautiful bikes. So in this video you guys know 5 things which I like most about my Xpulse 200 4V. So without any further delay let's start. बारिश भी स्टार्ट है, हल्की हल्की है, सो ज़्यादा आए उसके पहले वाइंड अप करते हैं. एंड अगर गाइस आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा दो जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस नहीं होगी. एंड जस्ट लुक एट द व्यू गाइस. ओके सो गाइस जो पहला रीज़न है वो ये कि जो प्राइस रेंज में आती है गाइस ये बाइक वो काफ़ी अफोर्डेबल है. लाइक अगर आप लोग देखेंगे तो 1,60,000 में ये आप लोग को ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगी और इतनी रेंज में आप लोगों को कोई और एडवेंचर बाइक नहीं देखने के लिए मिलेगी और जहाँ पर आप एडवेंचर भी कर सकते हो प्लस लॉन्ग टूर भी कर सकते हो. तो सिर्फ़ और सिर्फ यही अवेलेबल है 1,60,000 की रेंज में और दूसरी कोई भी बाइक अवेलेबल नहीं है. सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि अगर आप लोगों का बजट बहुत टाइट है ओके और आप लोग कोई और बाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लाइक हिमालयन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो जो 3-3.5 तक पहुँच जाती है, तो बेस्ट ऑप्शन है गाइस. सो गाइस अगर बात करूँ मैं सेकंड पॉइंट की तो सेकंड पॉइंट वो ये कि जो नेचर है बाइक का ओके नेचर इसका ऐसा है कि आप इसके साथ ऑफ रोडिंग कर लो बाइक कर लेगी. आप लोग इसके साथ चाहे तो लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, बाइक रेडी रहेगी. आप लोग इसके साथ एडवेंचर करना चाहते हो, बाइक रेडी रहेगी. आप इसको सिटी में चलाना चाहते हो, बाइक रेडी रहेगी. सो गाइस बाइक का नेचर ऐसा है कि लाइक आप जो चाहे वो कर सकते हो इसके साथ. सो ये था सेकेंड पॉइंट. सो जो थर्ड थिंग है गाइस वो ये कि बाइक काफ़ी इजी टू मेंटेन है. लाइक अगर कोई भी पार्ट्स डैमेज वगैरह होते हैं तो आप इजीली उनको रिप्लेस कर सकते हो, काफ़ी चीपली वो अवेलेबल रहेंगे. तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल है. लाइक अगर कोई भी पार्ट्स आपका डैमेज वगैरह होता है लाइक ये बार एंड लेग गार्ड या कोई भी चीज़ जो आप बाहर अगर गाड़ी गिरती है तो जो भी ऐसा डैमेज होने वाले पार्ट्स रहते हैं वो आप उनको ईजिली रिप्लेस कर सकते हो. तो वो एक चीज़ है, गाड़ी काफ़ी ईजिली मेंटेन रहेगी और जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है. सो लाइक हीरो की बाइक है तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में तो कुछ ऑप्शन ये है ही नहीं, बात है ही नहीं. आपको कहीं पे भी जाएंगे आप ऑल ओवर इंडिया आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी. तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है. नेक्स्ट थिंग गाइस जो है वो इसका इंजन है. सो इसका जो इंजन है वो 200cc का है, सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 18 पॉइंट समथिंग bhp पावर एंड 17.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क. सो इंजन काफ़ी अच्छा है और हाई रेविंग इंजन है तो आपको हाईवे में कुछ प्रॉब्लम ऐसा आएगा नहीं. एंड इवन सिटी राइडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है. अगर आप ओवरटेक वगैरह करना चाहते हो तो आप ईजिली कर सकते हो. तो पावर के मामले में सिटी एंड हाईवे में उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो इंजन के मामले में भी गाइस यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी. एंड बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल थिंग जो ये है फिफ्थ पॉइंट, जो गाड़ी का प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा है. सो बेसिकली अगर आप लोग गाड़ी कहीं पर भी खड़ी करते हैं तो लोग आके पूछते हैं भाई बाइक कैसी है, कितना प्राइस है, कितना माइलेज देती है. और रोड में थोड़ा अलग दिख के आती है अदर बाइक के कंपैरिजन में. आप कहीं पे भी खड़ी करेंगे तो बाकी बाइक के कंपैरिजन में थोड़ी अलग और डिफरेंट दिख के आती है. तो इसका रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है. सो इसके अलावा भी गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक इसका जो सीट हाइट है एंड ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है. तो अगर आप लोग टॉल राइडर हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा सूट करेगी ये बाइक. प्लस ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है. एंड यहाँ पर आपको स्पोक्स व्हील देखने के लिए मिलते हैं. तो बेसिकली कैसा रहता है कि अगर आप ज़्यादा एडवेंचर करते हैं तो वहाँ पर अलॉय के कंपैरिजन में स्पोक्स आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं. ओके टैंक रेंज भी काफ़ी अच्छी 13 लीटर्स का इसका टैंक कैपेसिटी है और टैंक का जो रेंज है वो भी गाइस काफ़ी अच्छा है. सो वो एक चीज़ है. सो ये कुछ चीज़ें थी गाइस जिनकी वजह से मुझे ये Xpulse काफ़ी अच्छी लगती है एंड आप लोग भी इनको कंसिडर कर सकते हो. सो दीज आर दी 5 थिंग्स विच आई लाइक मोस्ट अबाउट माई Xpulse. सो बारिश स्टार्ट हो गई है, लेट्स गो. मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में गाइस, तब तक के लिए पीस.